ये रोड खत्म होती ना, यहाँ से आपको लेफ्ट लेनी है। तो ये देखो हम लोग लेफ्ट आ गए और सामने की साइड एकदम बिल्कुल 5 से 10 मिनट में भी अराउंड लगेगी बॉम्बे भाई। इनको 24 घंटा में ही पहुँचना होता है, जो व्हाइट कलर के है ना पहने हुए डाक बॉम्बे, इनको 24 घंटा के अंदर ना जल चढ़ाना होता है। उनके लिए कितना छप्पर बंद किया गया देख सकते हो। इधर के रास्ते से आओगे ना तो जो ज्यादा गर्म हो जाते हैं ना उनके लिए पानी के लिए फव्वारा छोड़ा गया, सारे लोग भीग के एकदम गीला गीला होके जाएंगे ताकि इनको ठंडा का एहसास होगा, गर्मी ना लगे ज्यादा। गाइस मैं ना फ्लो फ्लो में गाइस इधर आ गया, ये फ्लाईओवर चढ़ के ना आप लोग देवघर के साइड जाओगे तो ये सारे कावर जो लेके जा रहे हैं ना, इसे जल लेके जा रहे हैं लोग, तो देवघर की तरफ जा रहे हैं। गाइज हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। ये देख रहे हो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं नमामि घाट, क्योंकि नमामि घाट के लिए ना ऑटो आपको बहुत ही कम मिलेगी। आप प्लस से रिजर्व आप करवाओगे ना तो आपके संग 150 से 200 रुपये ले लेंगे रिजर्व में, तो उससे अच्छा है पैदल चल लो। तो मैं आपको रास्ता बताने वाला हूँ डायरेक्ट सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से नमामि घाट जाने का रास्ता। तो अब हम लोग पैदल चल रहे हैं और पैदल जा रहे हैं नमामि घाट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे जाना है, कौन सी गली से जाना है, तो आप लोग बस वीडियो में बने रहना गाइस। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने को इधर जानी है, फिर ये देखो इधर से भी एक रास्ता है लेकिन अपने को इधर से नहीं जानी है, बस भाई रुक जाना। सो ये देखो इधर के साइड से ना जैसे ही आओगे ना तो एक बाजा मिलेगा, ये वाली गली, इससे जस्ट राइट लेफ्ट मुड़ जाना, फिर ये पतली वाली गली आएगी और इधर से ही सामने की ओर चलते जाना। कुछ ही जाओगे ना, मैक्सिमम कितना बोल सकते हैं भाई, मैक्सिमम मान लो ना तो 200-400 इतना मीटर चलोगे ना तो आपको फिर एक टर्निंग मिलेगी, तो उधर से आपको टर्न लेनी है। वो तो अपन लोग थोड़ा बहुत पूछ के आपको डायरेक्शन बता देंगे जो भी इधर से जाने वाले हैं, और तो उससे बच के तो 10-15 मीटर लगती है इधर से जाने में। तो बस अभी अपन लोग जाते ही जा रहे हैं भाई, देखते हैं कितना टाइम लगता है, तो वक्त ही बताएगा भाई। अभी इधर गली देख रहे हो यार, कितना क्लीन एकदम मस्त लग रहा है, प्लस घर देखो यार इधर का, काफ़ी अच्छे अच्छे से घर है, प्लस देख रहे हो सामने एक साइड और भी क्लासेस से सब भी चलती है, शायद स्कूल कॉलेजेस भी यहाँ पे है। तो जैसे रास्ता जा रहा है ना बस वैसे ही अपने को चलनी है, कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, बस चलते चलो। फिर आगे जहाँ पर भूलो ना वहाँ पर मैं पूछूँगा आप लोग, वीडियो के थ्रू आप लोग को मैं सारा कुछ बता रहा हूँ कैसे जाना है क्या जाना है, तब आप डायरेक्ट नमामि घाट पहुँच जाओगे, ऑटो का पैसा तो बचेगा ना भाई कम से कम। देखो गाइस इधर एक फील्ड है, जैसे ही आओगे ना आगे तो एक गौशाला मिलेगा, प्लस ऐसा कुछ इधर बर्तन बनता है वैसा, और आगे एक साइड ये वाली बाउंड्री दिख रही है, इसके बाजू में ना ये फील्ड है, अच्छा सा ग्राउंड है, बहुत अच्छा वाला ग्राउंड है। ये थोड़ा वो दिखा, मेरा हाइट नहीं है ना उतना हाई, अगर 6 फुट होता ना तो आपको दिख जाता। ये देखो दिखा, बस यही कुछ ग्राउंड है अंदर के साइड से, पीछे के साइड से एंट्री था बट यहाँ पे देखते यहाँ भी एंट्री होगा मेरी में भी ऐसा ख्याल से होना चाहिए। प्लस अभी देखो अभी अपन लोग इधर की साइड से आए ना तो भाई धूप भी चला गया, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा घमासान वाला धूप दिख रहा था। इधर भी बम के लिए सारा कुछ, ये देखो कवर बन रहा है, देख रहा इधर की साइड से भी कवर बनता है क्योंकि बहुत सारे ना इधर से भी पैदल चले जाते ना, इसी कारण से इधर भी गली में भी कवर बनता है, प्लस इधर भी बहुत सारे बम आते बहुत सारे और इधर से कवर लेते हैं और कवर डायरेक्ट इधर से लेके और फिर डायरेक्ट नमामि घाट की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑटो का खर्चा बचता है ना गाइस इसीलिए। और देख सकते हो आप लोग भी कैसे लोग जा रहे हैं, लाइक आगे भी देखो उधर भी एक दुकान है भाई, मेरे को पता नहीं था ऑटो भी इधर चलता है भाई, ऑटो भी चल रहा है, ये देख लो टोटो, अच्छा है चलना भी चाहिए। प्लस ये देखो इधर भी कुछ कावर का कुछ सामान, इधर भी हर हर महादेव, देखो यार कावर इधर भी बनता है, फर्स्ट टाइम वालों के लिए तो सबसे अच्छा प्रायोरिटी होता है भाई। ये क्या है पिलडोरी सुल्तानगंज, इधर के साइड से तो नहीं पता लेकिन सामने के साइड ही अपने को जानी है, मृत सेवा सदन भाई, किससे पूछना पड़ेगा क्या यार, पूछ लेते भाई किसी से हम लोग। हाँ अच्छा हाँ ठीक है, सामने ही चले जाएंगे, तो बस सामने ही जाते जाना है भाई यार, मतलब गली गली से जाओ, गली गली से जाओ सही है, फिर भी अच्छा है यार, प्लस मौसम भी वेदर भी देखो ना तो बहुत ही अच्छा वेदर हो चुका है, तो कोई उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। और इधर के साइड देखो ना तो भाई मतलब लोकेशन काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, फीलिंग्स भी अच्छा सा आ रहा है एकदम, हम लोग तो बस जाए जा रहे हैं भाई एकदम। ये रोड खत्म होती ना यहाँ से आपको लेफ्ट लेनी है, तो ये देखो हम लोग लेफ्ट आ गए और सामने की साइड एकदम बिल्कुल 5 से 10 मिनट में भी अराउंड लगेगी नमामि घाट जाने के लिए। प्लस देखो बहुत सारे कावर लोग पैदल ही बम लोग कावर लेके जा रहा है, देख रहे हो सारे बम जा रहे हैं ऐसे ही पैदल,
तो यार इतना पैदल इधर भी प्लस 105 किलोमीटर और नहाने के बाद, सोचो कितना ही लोग चलते होंगे यार। प्लस अपना होटल भी जिस टाइम लिए थे ना पिछला बार जब आए थे ना अपन लोग सुल्तानगंज, तो इधर ही होटल लिए थे अपन लोग, तो उसी के पीछे के साइड से ही जा रहे हैं। बॉम्बे भाई इनको 24 घंटा में ही पहुंचना होता है, जो व्हाइट कलर के है ना पहने हुए डाक बॉम्बे, इनको 24 घंटे के अंदर ना जल चढ़ाना होता है। सुल्तानगंज से जल लो और देवघर में 24 घंटा के बिल्कुल अंदर ही चढ़ाना होता है, 24 घंटे के बाद नहीं चढ़ाना होता है। तो मैं उसके लिए ना अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना, उस पर सारा कुछ फुल डिटेल में बताऊंगा, तो बस वीडियो में बने रहना गाइस। के लिए कितना अच्छा प्रबंध किया गया देख सकते हो, इधर के रास्ते से आओगे ना तो जो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ना उनके लिए पानी के लिए फव्वारा छोड़ा गया, सारे लोग भीग के एकदम गीला गीला होके जाएंगे ताकि इनको ठंडा का एहसास होगा, गर्मी ना लगेगा ज़्यादा। तो यार सुविधा काफ़ी अच्छा सा है, प्लस इधर से पैदल आ रहे हो ना, जो भी वीडियो देख रहे हो तो पैदल आओगे ही, तो रास्ता भी आपको काफ़ी अच्छा से पता हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता होगा ना रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट इधर आने के लिए, उनको रेलवे स्टेशन से इधर आने का रास्ता पता हो गया। प्लस ये फ्लाईओवर क्रॉस करनी है, उससे जस्ट अपने को राइट साइड लेनी है, उसके बाद नमामि घाट अपना आ जाएगा। तो बस अभी अपन लोग चलते हैं ब्रिज पे, चढ़ते हैं भाई। थोड़ा सा लंबा है, 200 या फिर 100 मीटर का ब्रिज है, 200-250 मीटर के आसपास का ये ब्रिज है फ्लाईओवर। गाइस मैं ना फ्लो में गाइस इधर आ गया, ये फ्लाईओवर चढ़ के ना आप लोग देवघर के साइड जाओगे, तो ये सारे कावर जो लेके जा रहे हैं ना, इसे जल लेके जा रहे हैं लोग, तो देवघर की तरफ जा रहे हैं। अपने को ये मोड़ ना आके ना इधर से ही राइट साइड लेनी है, तो डायरेक्ट अपन लोग घाट चले जाएंगे। बट यार थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा सा ये होता है ना फर्स्ट टाइम आने से ना, लाइक अकेले आओगे ना थोड़ा सा मिस्टेक होती है, कुछ थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो अपन लोग वो मिस्टेक ना करते हुए फिर से जाते हैं नवामी घाट के पास, क्योंकि थोड़ा सा पीछे छूट चुका है। तो बस अभी चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा तो आगे आ गया, बट कोई बात नहीं यार, होता है मिस्टेक होता है, इंसान से ही गलतियाँ होती है। तो चलो अभी चलते हैं घाट की तरफ डायरेक्ट। चलो कोई ना यार, जहाँ से अपन लोग जो लेफ्ट टर्न लिए थे ना, जहाँ से अपना लेफ्ट टर्न हुआ था ना, उधर से राइट टर्न लेना था तो घाट मिलता, लेकिन थोड़ा सा गलती हो गई, बट कोई बात नहीं, सही से अपन लोग चलते हैं। लाइक कितना टाइम लगता है तो वक्त ही बताएगा, अभी अपन लोग को लेफ्ट ले लिया ना, ये थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया यार अपने से, राइट जानी थी उधर से। चलो कोई बात नहीं यार, इतना दूर तो आ गए ना, आपको ये भी दिखा दिया ना देवघर का रोड में, आपको थोड़ा सा बाई चांस आपको गर्मी ये सब लगेगी तो आप आगे फव्वारा लगा हुआ फ्लाईओवर से बिल्कुल पहले फव्वारा लगा हुआ, आप लोग पानी का आनंद लेते हुए ठंडे ठंडे एकदम मज़े से जाओगे आराम से यार। तो इधर भी देखो यार, इधर का मार्केट काफ़ी एकदम मस्त मौला बन चुका है यार, मार्केट देख रहे हो क्या ही मस्त एकदम मार्केट हो चुका है, तो अच्छा है। प्लस हर जगह आपको ना पुलिस मिलेगी सेफ्टी के लिए, और डाक बम यार इनका तो भाई बात ही अलग है यार। आज ये देखो ये स्टेशन जाने का रास्ता, इधर से सुल्तानगंज स्टेशन इधर चले जाओगे और इधर से अपन लोग घाट चले जाएंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे तो। प्लस अपने को एक टी शर्ट लेना, प्लस एक पैंट लेना बम वाले। फाइनली गाइस अभी अपन लोग आ गए, लाइक देख सकते हो इधर से सामने जाएंगे ना तो अपना नमामि घाट है, और इधर से देखो मैं ना मतलब वहां से ना जो लेफ्ट टर्न लिए थे ना अपन लोग, उधर से एग्जिट से लेफ्ट टर्न लिए थे ना, वही अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, बट फाइनली अपन लोग और अभी इधर की साइड देख सकते हो यार काफी सारे बम है, जो कि अपना कावर लेके जा रहा है जल लेके, मतलब उसमें जल डाल के ये लोग निकल चुके हैं, देख रहे हो बोल बम, तो देख रहे हो सारे लोग जा रहे हैं अभी, तो अभी अपन लोग तो घाट की तरफ ही जा रहे हैं भाई। मतलब एंट्री कैसा सजावट हो गया भाई, देख रहे हो अलग ही हो गया भाई घाट का एकदम सजावट, जिस टाइम आप लोग आए थे ना उस टाइम तो कुछ भी नहीं था ऐसा सजावट नहीं था, लेकिन अभी का सजावट देखो ना तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाला सजावट हो चुका है अभी भाई, बहुत अच्छा सजावट हो चुका है यार। सो गाइस मैंने तो आपको रास्ता भी दिखा दिया, अब लोग कैसे कैसे आना है, तो अभी अपन लोग घाट के पास भी आ चुके हैं, तो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें गाइस। तो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, बाय बाय, हर हर महादेव। और इधर अपना बाइक पार्किंग बहुत सारे लोग का होता है, और इधर से अपन लोग घाट अभी जाते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद मस्त वाला निकलते हैं। सो बाय बाय, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव। गाइस चेक करो यार, ये अपना श्रावणी मेला देख रहे हो सामने के साइड, श्रावणी मेला के पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक क्या है, श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। तो
गाइस देख ही सकते हो सामने के साइड पर इधर के साइड और भी बहुत कुछ एकदम चमकता धमकता बन चुका है यार ये नमामि घाट।